रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये सब्जी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम तेल मसाले का यूज़ किया है मैंने और बहुत ही हेल्दी होती है ये सब्जी। तो लौकी की सब्जी के लिए मैंने लिया है लौकी 750 ग्राम। इसके छिलके अच्छे तरह से निकाल लिए हैं और धोकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। मसाले मैंने बहुत कम यूज़ किया है। इस प्रकार है मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच इसमें साबुत जीरा है और एक हरी मिर्च तीखी वाली है, इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 1/4 छोटा चम्मच हींग का यूज़ किए हैं और 1 साबुत लाल मिर्च है और फ्रेश हरी धनिया की पत्ती धोकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। 1 चम्मच इसमें हम सरसों तेल का यूज़ किए हैं, चाहे तो कोई भी डेबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गरम करेंगे। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें सरसों का तेल 1 चम्मच डाल देंगे और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें जीरा, लाल मिर्च और हरी मिर्च साथ के साथ हम डाल देंगे और हींग भी डाल देंगे और कुछ सेकेंड के लिए इसको भून लेंगे। जब फ़ौरन भून जाए तब इसमें हम लौकी डाल देंगे, कटी हुई लौकी डाल देंगे और इस गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम लौकी को लगातार भूनते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। चाहे तो हम इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मिर्च डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। इसे हम कुकर और कढ़ाई दोनों में बना सकते हैं और अच्छा तरह से मिला लेंगे सब्जी को। उसके बाद से 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद लौकी थोड़ा गलने लगा है और पानी भी छोड़ दिया है। हम थोड़ा लौकी को चलाते समय थोड़ा प्रेस कर देंगे और इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इससे इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए ये सब्जी में बिल्कुल मसाले का यूज़ नहीं हुआ है, बहुत ही कम इसमें हम मसाले यूज़ किए हैं। इस तरह से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको पूरी तरह से हम पकाएंगे। हम इसको ढककर 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद लौकी बहुत ही अच्छा गल चुका है और इसका पानी थोड़ा सा है, तो गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। इसको सुखा लेंगे, इसका पानी अच्छा तरह से सुखा लेंगे। अब लौकी का सब्जी बन करके तैयार है। बहुत ही हेल्दी होती है लौकी की सब्जी और टेस्टी लगती है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और सर्व करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता हम डाल देंगे और इसे हम पूरी, पराठा, रोटी, चावल के साथ सर्व करेंगे। और लौकी की सब्जी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।